एवरीवन वेलकम बैक गाइस। आज मैं मोमो बनाने वाली हूँ, तो वो भी पहली बार, तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। या आई होप कि मोमो अच्छा बने, फर्स्ट टाइम वो भी अकेला अकेला खुद से बनाएगा आज मोमो। तो या आप लोग वीडियो को देखते रहेगा। इस घर में मैदा नहीं था तो ये आटा है, तो आज मैं आटा का मोमो बनाने वाली हूँ। थोड़ा डर भी लग रही क्योंकि आटा का मोमो बना रहे ना, तो आटा का मोमो कभी खाया भी नहीं है, इसलिए डर लग रहा है थोड़ा सा बात को टेस्टी नहीं होने से, इसलिए तो या फिर भी बनाते हैं, ट्राई करके देखिएगा ट्राई करने क्या जाएगा। तो या तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी, उसके बाद थोड़ा सा नमक और उसके बाद पानी तो गाइस अभी हो गया है, ये देख सकते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसको ढक के रख देगा रेस्ट करने के लिए इसको। तो तब तक हम सब्जी बना लेगा। तो या गाइस इसको अभी ऐसे ढक के रख देगा और हम सब्जी बनाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं पत्ता गोभी। ये रहा मेरा सब्जी रेडी हो गया। इसमें सिर्फ प्याज और पत्ता गोभी है क्योंकि और ज़्यादा सब्जी तो नहीं है मेरे पास, इसलिए ये दोनों सिर्फ यूज़ किया। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं अभी मोमो बन गया है। अभी सिर्फ एक मुक्टू है, देख सकते हैं बनाना बाकी है। तो यहाँ पे पानी, अभी इसको बिठाते हैं। Two thousand years later. तो गाइस अभी मोमो रेडी हो गया है, यह देख सकते हैं। और यह चटनी है, तो या अभी हम ट्राई करेगा। आई होप कि अच्छा निकला हो, तो देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे, तो खाने में भी टेस्टी होना चाहिए ना। तो चलिए गाइस ट्राई करते हैं। अब देख सकते हैं मेरे मोमो का डिज़ाइन, मुझे मोमो का डिज़ाइन बनाना भी नहीं आते, तो मैंने जैसे जैसे बना दिया देख सकते हैं बहुत प्यारी लग रही है। तो चलो स्टार्ट अभी टेस्ट करते हैं। और चटनी, मुझे चटनी बहुत पसंद है। मैंने सोचा नहीं था इतना टेस्टी होगा बोल के,
बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने आटा का मोमो कभी नहीं खाया था, आज पहली बार खा रहे हैं। और पहली बार बनाया भी है हमने। तो यार मैं मोमो बनाना सीख गई हूँ अभी। और एक टेस्ट करते हैं, चटनी। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ज़्यादा बच्चा है। तो यार गाइस अभी ये व्लॉग यहीं पर मैं एंड करूँगी ये व्लॉग को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।